अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। देखिए, ये 500 ग्राम चिकन है, अच्छे से वॉश करके रख ली मैं। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऑयल है, ये नमक है, ये हल्दी पाउडर है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये 2 मीडियम साइज टमाटर ले ली मैं, 1 कप दही है, ये देखिए ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, अच्छे से रोस्ट करके पाउडर बना ली मैं। ये देखिए हरी मिर्च है, पुदीना है, हरा धनिया है, करिया पत्ता है, देखिए एक बॉल में अच्छे से चिकन ले लेना है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये देखिए 1 टेबल स्पून नमक है, ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, ये देखिए 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, ये जो 1 कप दही बताई थी वो भी इसमें डाल देना है। देखिए अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए, देखिए अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, एक 5-10 मिनट्स रख देना है। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल दीजिए, टू टेबल स्पून ऑयल है, ये जो खड़े मसाले हैं, ये तेज पत्ता है, 2 लौंग, 2 इलायची, शाहजीरा है, चकला है, ये तेल में डाल देना है। ये जो अपन मैरिनेट करे थे चिकन वो इसमें ऐड कर देना है, देखिए अच्छे से ऐड कर देना है इसमें। फुल फ्लेम पे अच्छे से, देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये जो 2 मीडियम साइज़ टमाटर चॉप कर लिए थे अपन, वो ऐड कर देना है। देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कि कम फ्लेम पे एक 5 मिनट्स के लिए कम फ्लेम पे रख दीजिए, अच्छे से कवर करके रख देना है। देखिए उसके बाद टमाटर गल गए हैं अच्छे से, चिकन भी गल गया है, अब तेल छूटे तक अच्छे से भुनना है। देखिए गल गया है, अब तेल छूटे तक अच्छे से भुनना है इसको। ये जो मैं बताई थी जीरे का पाउडर, धनिया, गरम मसाला, ये ऐड कर देना है, ये हरा मसाला पूरा ऐड कर देना है। देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत टेस्टी होता है ये, आप लोग ट्राई कीजिए, चावल से रोटी से बहुत अच्छा दिखता। देखिए कवर कर देना है, उसके बाद 5 मिनट्स के बाद निकाली मैं। देखिए तेल छूटे तक भुनना है अच्छे से। देखिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अल्लाह हाफिज़। देखिए यदि शॉर्ट करके बताऊंगी मैं, अच्छे से भुने जाना है पूरा चिकन टमाटर सब।